माय डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। टुडे आई विल टीच यू फोर्थ पार्ट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। बच्चों, आज हम आप लोगों को फ्रेंच रिवॉल्यूशन का चौथा भाग पढ़ाएंगे। पहले तीनों भाग में आप लोगों ने पढ़ा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, लुई 16 के बारे में कि वह कब गद्दी पर बैठा 1774 में, और वह जो है बर्बन फैमिली से संबंध रखता था, वह बहुत विलासतापूर्ण जीवन बिताता था और जो है बहुत ज़्यादा पैसा वह अपने सुख सुविधा पर खर्च करता था, युद्ध लड़ने में खर्च करता था और इस कारण सारा उसका जो ट्रेजरी था वह खाली हो गया था। फिर आप लोगों ने पढ़ा कि फॉल ऑफ बास्टिल के बारे में कि बास्टिल का पतन कैसे हुआ, उसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। फिर इसका फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कार्य कौन कौन से थे, इसके अंतर्गत आप लोगों ने पढ़ा सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और इंटेलेक्चुअल कार्य के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। और इसके बाद एक चीज और था जिसमें आप लोगों ने पढ़ा कि फेमिन के बारे में कि जो 1788 और 89 में हुई थी, उसमें बहुत ज़्यादा लोग परेशान हुए, भूखों मरने लगे और जो है यानी रोटी के लिए लोग तरसने लगे, और इस प्रकार से यह भी एक महत्वपूर्ण कारण बना फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। इसके बाद जो है स्टेट जनरल की मीटिंग हुई, वहाँ पे जो है स्टेट जनरल यानी जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जो फ्रेंच सोसाइटी था वह तीन वर्गों में विभाजित था। एक था फर्स्ट स्टेट में एस्लर्जी ग्रुप था, दूसरे में नोवेल्टी था और तीसरे में कॉमन पीपुल थे यानी पीजेंट्री वर्ग था। फिर बाद में मिडिल वर्ग सामने आया, मिडिल वर्ग जो था वह एजुकेटेड पीपुल उसमें थे, उसमें टीचर्स थे, लॉयर थे यानी इत्यादि थे जो कि सोच समझ सकते थे, जो बुद्धिमान थे। और इस तीसरे वर्ग के सामने आने के बाद जो मिडिल वर्ग था, अब वहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में और तेजी आ गई। और इस प्रकार से जब स्टेट जनरल की मीटिंग हुई तो वहाँ पे लोग हॉल में इकट्ठा हुए, तो जो फर्स्ट स्टेट के और सेकंड स्टेट के जो लोग थे वह केवल 300 पीपुल ही लोग थे, लेकिन जो थर्ड स्टेट के लोग थे जिसमें मिडिल वर्ग या कॉमन पीपुल थे उसमें 600 लोग थे, क्योंकि वहाँ पे जो फ्रांस में जो मेजोरिटी थी वह जो है थर्ड स्टेट के लोगों की ज़्यादा थी। और इस प्रकार से जो क्या किया गया कि वहाँ तो पहले स्लर्जी वर्ग यानी फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को सीटें मिल गई, वो लोग बैठ गए और जो है जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो सब खड़े थे, और इस प्रकार से उन लोगों को बड़ा उससे दुख पहुँचा और वो लोग गुस्सा हुए और वो लोग तुरंत उस हाल से निकल कर बाहर आ गए। और फिर बाहर आने के बाद कुछ दिन के बाद वह टेनिस कोर्ट में इकट्ठा फिर हुए और टेनिस कोर्ट में उन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि हम लोग इस रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाएंगे। और उस रिवॉल्यूशन यानी उस जो टेरिस कोर्ट में प्रतिज्ञा हुई थी उसमें नोवेल्टी और स्लर्जी वर्ग का भी एक एक लोग थे, और जिसके कारण उन लोगों को और सपोर्ट मिला। राजा को जब इस बात की का पता चला कि इसमें नोवेल्टी और स्लर्जी लोग भी योगदान दे रहे हैं, तो उसने आदेश दे दिया कि इसमें जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे नेशनल असेंबली में उसमें दोनों से संबंधित यानी मिडिल क्लास भी इसमें रिप्रेजेंटेटिव करेगा। अब फिर इसके बाद बच्चों, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कि अचीवमेंट्स ऑफ नेशनल असेंबली यानी जब वहाँ पे नेशनल असेंबली का चुनाव हो गया यानी वह बन गया, तो उसने क्या क्या बदलाव लाया, उससे क्या क्या उपलब्धियाँ मिली। पहला है एवोल्यूशन द फ्यूडल सिस्टम यानी जब जो वहाँ पे सामंतवादी प्रथा थी उसका अंत किया गया। और फिर इसके बाद एवोल्यूशन ऑफ हंटिंग एंड अदर कस्टमरी सर्विसेज यानी उसमें जो शिकार करने की उस समय अनुमति थी उस पर भी रोक लगा दी गई, उसको जो शिकार करने का जो आदेश दिया गया था उस पर रोक लग गई, और जो कस्टमरी सर्विसेज थे उस पर भी रोक लगा दी गई। अब इसके बाद क्या किया गया, जो चर्च थे यानी जो चर्च का पोप होता था वो अपने को जो है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड मानता था, ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था, और इस प्रकार से चर्च की प्रभुसत्ता को भी समाप्त कर दिया गया। फिर इसके बाद द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वलिटी फ्रीडम डिक्लेयर यानी यहाँ पे क्या किया गया कि जो है समानता और स्वतंत्रता को घोषित किया गया यानी सारे लोग एक समान हों। फिर इसके बाद
क्या हुआ कि वहां के लिए यह सोचा गया कि एक जो है अपना संविधान बनाया जाए और उस संविधान के अनुसार ही वहां पे मोनार्की सिस्टम होगा, यानी केवल वहां नेशनल असेंबली ही कार्य नहीं करेगी, उसके रिप्रेजेंटेटिव ही कार्य नहीं करेंगे, बल्कि वहां पे उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वहां पे राजा जो है शासन करेगा। यानी कहने का मतलब राजा जो है पार्लियामेंट नेशनल असेंबली के अधीन होकर के कार्य करेगा, उसकी जो उसका जो अधिकार है उसको लिमिट कर दिया गया और यहाँ का जो संविधान था वह बन करके कंप्लीट हुआ 1791 में। अब हम ये जानेंगे कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, यानी वहाँ के लोगों को, वहाँ के नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दिए गए। उनको अधिकार दिया गया राइट्स सच एज द राइट्स ऑफ लाइफ, यानी जीवन जीने का, स्वतंत्र होकर के जीवन जीने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी भाषण देने का, अपने भावों को व्यक्त करने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार, इक्वलिटी बिफोर लॉज यानी जो कानून वहां पे बनाया जाए वह सबके लिए समान हो, वह एस्टेब्लिश इसकी स्थापना की गई। अब इसके बाद पढ़ेंगे फ्रांस बिकम्स अ रिपब्लिक, कि फ्रांस कैसे एक रिपब्लिक कंट्री के रूप में बना। अब यहाँ पे द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 रिप्लेस्ड द एब्सोल्यूट मोनार्की बाय लिमिटेड मोनार्की। जब नया संविधान बन गया वहाँ का जो है फ्रांस का, तो वहाँ पे ये तय किया गया कि जो वहाँ राजा होगा, जो मोनार्क होगा, वह कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही कार्य करेगा, ना कि वह अपनी मनमानी करेगा। और इस प्रकार से वहाँ पे जो एब्सोल्यूट मोनार्की थी उसको खत्म करके, यानी उसको लिमिट मोनार्की के रूप का रूप दे दिया गया। और इसके बाद क्या हुआ कि जब नया संविधान बना हुआ था तो उस पर सिग्नेचर जो है लुई 16 का हुआ था, और उसी बीच क्या किया कि लुई 16 ने सिग्नेचर करके जो प्रूसिया का किंग था, शासक था, उससे वह जो है वार्ता करने के लिए, बातचीत करने के लिए चला गया, और इसके कारण जो वहां के पड़ोसी देश थे वह बहुत ज़्यादा जो है डिस्टर्ब हुए और उन्होंने ये सोचा कि जो है यहाँ पे जो है आक्रमण करके उसको अपने अधीन कर लिया जाए। और इस प्रकार से ऑस्ट्रिया और प्रूसिया का युद्ध भी छिड़ गया, और इसमें उसी बीच जो वहाँ का राजा लुई 16 था वह अपनी पत्नी को लेकर के वहाँ से फरार होना चाहा, लेकिन बीच में ही उसको कैप्चर कर लिया गया और वह राजा अपने ही महल में जो है कैदी के रूप में रह गया। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे कि नेशनल कॉन्वेंशन के बारे में, कि नेशनल कॉन्वेंशन क्या था। नेशनल कॉन्वेंशन वाज एन इलेक्टेड बॉडी, इट वाज डोमिनेटेड बाय टू ग्रुप्स पार्टीज, एक था जीरोंडिस्ट और दूसरा था जैकोबिन। यानी जो नेशनल कॉन्वेंशन था वह एक चुना गया बॉडी था, यानी ग्रुप था, जिसमें दो ग्रुप पार्टी ने सहयोग किया था जो इलेक्ट हुए थे उसमें, और वो दोनों पार्टी थी जीरोंडिस्ट और जैकोबिन। इस ये दोनों जो पार्टियां थी वह रिपब्लिकन पार्टी थी। अब इसके बाद इसमें ये जानेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में महिलाओं ने क्या योगदान दिया। यहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में महिलाओं का विशेष योगदान रहा, क्योंकि उस समय फ्रेंच में, यानी फ्रांस में, महिलाओं के साथ बड़ा बुरा बर्ताव किया जाता था। वह जब कोई सभा इत्यादि होती थी नेशनल असेंबली की, तो उनको कोई अधिकार नहीं दिया जाता था अपने बातों को रखने के लिए, केवल बस वही एक मूक दर्शक होकर के देखती थी, यानी उनको कोई अधिकार नहीं मिला हुआ था। और इस प्रकार से कई ऐसी महिलाएं थी फ्रांस की जिन्होंने जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में काफी योगदान दिया। अब इसके बाद हमें जानेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या प्रभाव हुआ, यानी क्या क्या उससे बदलाव आया। द रिवॉल्यूशन ऑफ स्लेवरी, यानी वहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो है जो दास्ता, यानी जो मजदूरों को, जो वहाँ के वर्कर्स को, कॉमन पीपल को स्लेव बना करके रखा जाता था, उससे उसका अंत हुआ। और इसके बाद यह हम जानेंगे कि इफेक्ट्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जैसा कि आप लोगों को बता ही चुके हैं कि इसके द्वारा जो मोनार्की सिस्टम था उसके पावर में कमी आई, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हुई, फ्यूडल सिस्टम को समाप्त किया गया, और जो मिडिल वर्ग के लोग थे उनको भी जो है पार्टिसिपेशन देने करने का मौका दिया गया, और इस प्रकार से जो वहाँ पे टैक्स आदि लगाए गए थे उसमें भी कमी आई, और यही सब जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का प्रभाव पड़ा। अब इसके बाद जाने
करेंगे कि जो है इफेक्ट्स ऑन द वर्ल्ड यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पूरे विश्व में, पूरे यूरोप के देशों में क्या प्रभाव पड़ा। फ्रेंच जो फ्रांस था यानी फ्रांस जो वह बहुत शक्तिशाली कंट्री के रूप में जाना जाता था। अगर कोई कार्य फ्रांस से शुरू होता था तो उसका प्रभाव, उसका जो यानी जो स्प्रेड होता था अदर कंट्रीज में यूरोप के, वह बहुत जल्दी से हो जाता था। तो इस प्रकार से फ्रेंच रिवॉल्यूशन के द्वारा जो यूरोप में राजतंत्र की व्यवस्था थी, सारे देश मिल करके उस राजतंत्र की व्यवस्था को दूर करने का प्रयास किए। अब इसके बाद 1799 में जो है नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। अब ये जानेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट जो था वह जर्मन का था और उसमें उसने क्या किया कि जो है वह भी एक तानाशाह था, बहुत सारे बदलाव लाया। वह जो वहाँ उस समय की जो व्यवस्था थी, शासन व्यवस्था थी, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव लाया, लेकिन उसमें भी बहुत सारी कमियाँ थी। और इस प्रकार से बच्चों आपका ये लेशन यहीं पे समाप्त होता है और इसका पीडीएफ आप लोगों के पास जाएगा। थैंक यू।